Yes, today we will discuss about some of the national parties. We have all discussed CPIM, AITC, BSP, BJP and CPI, now NCP and INC. First of all, about INC, Indian National Congress. In this Indian National Congress, first of all, you have to remember the year in which this party was formed. This party was formed in 1885, before independence. Clear? Oldest political party. आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये हमारी country की सबसे oldest political party है. ठीक है, oldest क्यों? Because ये 1885, यानी कि जब हमारी country में British rule था, at that time this party was founded. ठीक है, oldest political party. अगर मैं पूछूं कि which is the oldest political party of all, then it is INC. ठीक है, founding year, year आपने याद रखना है इसका, 1885. ठीक है, कौन से year में ये इसकी foundation हुई थी? 1885. ठीक है, और इसका main party का बनाने का motive क्या था? Britishers चाहते थे कि उस time period में Indians अपनी जो भी उनकी problems हैं उनको peaceful way में applications लिखकर या petitions या request, रिटर्न रिक्वेस्ट के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स आगे लेकर आए, ना कि रैलीज के द्वारा. सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम AOU ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे. ठीक है, उन्होंने इस पार्टी जो है उसको बनाया. एंड मैनी इंडियन मेंबर्स वर देयर, सो मैनी मेंबर्स वर देयर, दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, एंड दीज वर द एक्टिव मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. दे डिमांडेड मैनी यू कैन से kind of relaxations, freedom from the Britishers at that time with the help of this party. Yeah? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहले अपनी याद रखना है, फाउंडिंग ईयर 1885. ठीक है, और then many splits. Split का मतलब क्या होता है? कई बार इस पार्टी में लोगों के बीच में आपस में, लीडर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हुए, तो पार्टी की डिवीजन भी हुई, पार्टी अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड हुई. जैसे आपने एड्स में पढ़ा होगा, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बॉयलर्स में बिलीव करते थे, लाल बाल पाल, है ना. मॉडरेट्स कौन थे? जो पिटीशंस या रिक्वेस्ट रिटर्न रिक्वेस्ट में बिलीव करते थे. सो ये जस्ट एक तरह से मैंने हिस्ट्री डिस्कस की आपके साथ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, देन इसके बाद नेशनल और स्टेट लेवल दोनों में ही इस पार्टी का होल्ड है. ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल की बात करें, हर स्टेट में ये पार्टी का होल्ड है, वोटर्स हैं इसके, सपोर्टर्स हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके टाइम में ये पार्टी जो है वो हाईएस्ट जो है वो पहुंची. सबसे पहले ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ये भी एक पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है. देन इस पार्टी का मेन जो आइडियोलॉजी है इस पार्टी की, स्ट्रॉन्ग मॉडर्न, मतलब इन्होंने इनका मतलब जो है वो बेस क्या है, ये क्या बनाना चाहते हैं कंट्री को, सेकुलर डेमोक्रेटिक, ठीक है, रिपब्लिक. तीन वर्ड याद रख लो. इस पार्टी का मेन एम क्या है, कंट्री को क्या बनाना? सेकुलर बनाना, डेमोक्रेटिक बनाना और रिपब्लिक बनाना. ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसके ईयर बताना है कि 2019 के इलेक्शन में इस पार्टी को हाईएस्ट मतलब वोट्स नहीं मिले, तो अब ये पार्टी जो है वो अपोजिशन में है. अपोजिशन मतलब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी नहीं, मतलब बहुत कम वोट्स मिले थे इस पार्टी, सीट्स मिली थी. लेटेस्ट जो लोकसभा के इलेक्शंस रिजल्ट, ओनली 52 सीट्स 2019 में इस पार्टी को सिर्फ कितनी सीट्स, यानी कि कितने एमपी बने इस पार्टी के? 52. ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो हमारी कंट्री में स्ट्रांग ऑपोजिशन के अभी भी, स्ट्रांग ऑपोजिशन मतलब एटलीस्ट 100 तो होते हैं ना. और अलायंस, इस पार्टी का अलायंस किसके साथ, कौन सी पार्टी के साथ, कितनी पार्टीज के साथ मिलकर इन्होंने अलायंस बनाया, दैट इज यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. ये पार्टी जो है यूपीए का पार्ट है, जैसे बीजेपी एनडीए का पार्ट है, ये यूपीए का पार्ट है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. ठीक है, तो ये आपने मेन बताना है इस पार्टी की अलायंस, यूपी आपको पता नहीं चाहिए. देन वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज को सपोर्ट करती है ये पार्टी. ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इस पार्टी के अंदर मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने बहुत इकोनॉमिक्स के मेन, मतलब जिसमें कहते हैं कि काफ़ी वो मास्टरी उन्होंने की है, तो उनको काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नॉलेज है, तो
उनके अंडर हमारी कंट्री ने काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो ये आपने सारा बताना है कांग्रेस पार्टी के बारे में। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी है सेंटर में एट प्रेजेंट, ये मतलब जो मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है। और लेकिन पंजाब में ये मेजोरिटी, मतलब पंजाब में ये जो है वो पावर में है। और पहले इनके चीफ मिनिस्टर कौन थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा रिजाइन देने के बाद नाउ मिस्टर चरणजीत चन्नी जो है वो है सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो कई बार क्या होता है, स्टेट में कोई और पार्टी मेजोरिटी में होती है, सेंटर में कोई और हो सकती है, डिपेंड करता है कि लोगों की प्रेफरेंसेस किन के साथ होती है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिंबल आपको पता होना चाहिए, पाम हैंड इसका सिंबल है, सोनिया गांधी करंट लीडर है ना, सोनिया गांधी जो है श्रीमती सोनिया गांधी जो करंट लीडर है इनकी, देन पाम हैंड इनका सिंबल है। आपको हर पार्टी का सिंबल क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको उस पार्टी का मेन जो है वो होल्ड कमांड इनके हाथ में है, ठीक है। श्रीमती सोनिया गांधी उनके हाथ में कमांड है इनकी। तो इसके अलावा राहुल गांधी इस पार्टी के एक्टिव जो है वो मेन मेंबर हैं। इसके अलावा बाकी आपने ये बताना है कि ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो मतलब टिल 1977 हमारी कंट्री में, टिल 1977 तक कांग्रेस का बहुत होल्ड था, लेकिन 1990 के बाद धीरे धीरे इस पार्टी का होल्ड डिक्लाइन हुआ और उसके बाद बाकी पार्टीज लाइक BJP या और भी पार्टीज जो हैं उनका इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी कंट्री में ज़्यादा। तो ये था ऑल अबाउट इंडिया नेशनल कांग्रेस। अब आ जाओ NCP। NCP में सी वर्ड कांग्रेस, इसका मतलब ये भी है, तो ये कांग्रेस पार्टी लेकिन INC नहीं है, ये INC से अलग है, ठीक है। INC अलग है, NCP अलग है। INC है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड NCP, NCP क्या है, नेशनल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। दोनों में वर्ड कांग्रेस कॉमन है लेकिन दोनों पार्टीज अलग अलग, दोनों ही नेशनल पार्टीज हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, ठीक है। अब ये पार्टी जो है वो स्प्लिट हुई, स्प्लिट का मतलब मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है लीडर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं जिसके कारण पार्टीज टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। ऐसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मेंबर्स, कुछ मेंबर्स थे उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई, वो पार्टी से अलग हो गए और इस पार्टी का नाम क्या है, NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। शरद पवार इस पार्टी के मेन जो है वो लीडर माने जाते हैं, शरद पवार, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, क्लॉक, क्लॉक इसका सिंबल है। 1999 में ये पार्टी बनी, जब स्प्लिट हो गई INC से तो अलग से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई 1999। इनके ऊपर ये मेन फिलॉसफी जो है डेमोक्रेसी, गांधियन फिलॉसफी, महात्मा गांधी की फिलॉसफी, सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, ये कुछ इनके एजेंडा के या मैनिफेस्टो के मेन पार्ट है। देन इनका ये मानना है कि इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सारी इंडिया के बॉर्न सिटीजन्स की होनी चाहिए, इंडिया के बॉर्न सिटीजन्स जो इंडिया के यहाँ के बॉर्न सिटीजन्स हैं उनकी होनी चाहिए, ठीक है। देन इसके अलावा महाराष्ट्र में इस पार्टी का मेजर होल्ड है, बेस है, मतलब सपोर्टर्स या वोटर्स महाराष्ट्र में इस पार्टी के सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा और भी बहुत से स्टेट्स हैं, मेघालय, मणिपुर, असम, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस पार्टी का काफ़ी होल्ड है। देन फिर आपने बताना है ये जो पार्टी है ये भी UPA का पार्ट है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है उसका पार्ट है, और लास्ट इलेक्शंस 2019 के इलेक्शंस में इस पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी, 5 सीट्स, 5 MPs, यानी कि इस पार्टी में टोटल जो है सीट्स कितनी मिली, 5, तो टोटल 5 MPs हैं इसके पार्लियामेंट 2019 के इलेक्शंस, ठीक है। तो 4 से ज्यादा है, इस पार्टी को कौन सा रिकॉग्निशन मिली है, नेशनल पार्टी की रिकॉग्निशन मिली है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द नेशनल पार्टीज, यू हैव टू लर्न द आइडियोलॉजीज, आपको सारी पार्टीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इनकी आइडियोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए मतलब आपको, ठीक है। हाँ जी कनिष्का, यस आस्क योर डाउट। मैम, अब जैसे आपने INC पार्टी में बोला है कि 1997 में उसका मेन होल्ड रहा है और 1990 में वो डिक्लाइन होने शुरू हो गई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिक्लाइन, वोटर्स, वोट्स कम मिले, मतलब ये इसका मतलब वोट्स कम मिले, तो मतलब क्या? पावर में नहीं है, ठीक है। और मैम, NCP का लीडर कौन है? शरद पवार,
मिस्टर शरद पवार। ओके मैम, थैंक यू। अंशिका, हाँ जी मैम। मैम एनसीपी का फाउंडिंग ईयर कौन सा है? 1999 स्प्लिट हुई थी जब आईएनसी से इनकी स्प्लिट हुई तो ये पार्टी अलग से पार्टी बनी। ठीक है, क्लियर? हाँ जी भूमिका। हाँ जी मैम, बीएसपी का सिंबल क्या है? इसका बीएसपी का एलिफेंट। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी राघव। हाँ जी मैम, करेंटली 8 है ना नेशनल पार्टीज? करेंटली नेशनल पार्टीज 8 है, अभी तो 7 ही है ऑथराइज रिकॉग्नाइज। मैम रिकॉग्नाइज 2013 में मिला था एनपीपी को। हाँ, पर आपकी बुक में 2019 के अकॉर्डिंग, इलेक्शंस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखना ना, हमने लास्ट 2019 का इलेक्शंस का रिजल्ट देखा उसके अकॉर्डिंग है ना। आपकी एनसीआर की बुक में जो लेटेस्ट है प्रिंट उसके अकॉर्डिंग आप देखो, 2019 के इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो उसमें मेंशन किया हुआ, उनके अकॉर्डिंग देखो। अगर 8 होती तो यहाँ पे 8th पार्टी का 2019 के इलेक्शंस का रिजल्ट बताना था। क्लियर? एनी अदर डाउट? ओके, तो दीज वर द नेशनल पार्टीज। अदर देन दिस मैनी पार्टीज आर देयर, लाइक स्टेट पार्टीज आर देयर। अब कई बार क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपने लाइक अ ग्रुप ऑफ द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट पार्टीज विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच इज नेशनल एंड विच इज स्टेट पार्टी। अब कुछ पार्टीज ऐसी हैं स्टेट पार्टीज जिन पार्टीज के साथ नेशनल वर्ड लगा है, राष्ट्रीय वर्ड लगा है, तो जरूरी नहीं है कि ये नेशनल पार्टीज ही हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि इनको इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्निशन नहीं दिया है नेशनल की, लेकिन मे बी ये बाकी स्टेट्स में है, इनकी इनका नाम है बाकी स्टेट्स में, लेकिन रिकॉग्निशन तभी मिलती है जब इलेक्शन कमीशन उनको प्रॉपर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी स्टेट पार्टीज हैं, आपकी बुक में एक मैप है, उस मैप में आप देखोगे नंबर ऑफ स्टेट पार्टीज आर देयर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट पार्टीज आर देयर, यू हैव टू रीड ऑल द पार्टीज अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। You can see various parties have been given according to east, west, north, south, you know, directions के according। आपको इसमें से recognize करना है कि कौन सी national है, कौन सी state है, या ऐसे भी आ सकता है south की कौन सी है, south India की कौन सी है, north east की कौन सी है। ठीक है, तो कुछ parties अब मैं ऐसी parties के name ले रही हूँ जो state parties है। पहले तो आपको clear का difference clear होना चाहिए कि national party कौन सी है, ये है national parties। कुछ स्टेट पार्टीज में बोलूंगी तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि स्टेट पार्टीज हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पार्टीज जो हैं, जो स्टेट पार्टीज हैं, ये पर्टिकुलर कौन से स्टेट में ज्यादा जिनका होल्ड है। ठीक है, तो कुछ पार्टीज हैं जैसे समाजवादी पार्टी, ये स्टेट पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल, नाम से पता लग जाएगा, वैसे तो लिखा है राष्ट्रीय, लेकिन ये पार्टी जो है यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये नेशनल पार्टी नहीं है, ये स्टेट पार्टी है। इसके अलावा है बीजू जनता दल, बहुत सी पार्टीज हैं, नंबर ऑफ स्टेट पार्टीज आर देयर इन आवर कंट्री। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो कुछ स्टेट्स के तो नाम के आगे ही स्टेट पार्टी का नाम पता लग जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनका नाम क्लियर नहीं होता। तो डिपेंडिंग अपॉन हम कुछ पार्टीज, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे कुछ ईस्ट हैं, कुछ वेस्ट की हैं, कुछ नॉर्थ की हैं, कुछ साउथ की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको थोड़ा सा ना ये वाला जो मैप है, इस मैप को अच्छी तरह से आपने हर रोज इसको 5 मिनट्स लगाकर इसको अच्छी तरह से लर्न करो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अलग अलग, जैसे नॉर्थ में कौन सी स्टेट पार्टीज फेमस हैं, साउथ में कौन सी फेमस हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नंबर वन जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में देखो, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, एंड जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो नाम से पता लग जाता है, इनके साथ इनके फाउंडिंग ईयर बताए गए। तो ये वाला जो मैप है ये आपने गो थ्रू बाय हार्ट लर्न करो इसको अच्छी तरह से, तभी आपको पता लगेगा कि हर स्टेट में कौन कौन सी पार्टीज हैं। नंबर ऑफ अदर पार्टीज आर देयर, बट ये मेन पार्टीज ली गई है। देन पंजाब, पंजाब जैसे मेन है शिरोमणि अकाली दल 1920,
यानी कि ये जो स्टेट पार्टी थी 1920s से इसका मतलब मेन जिसे हम कहते हैं हमारी कंट्री में स्टेट में बनी, तो हमारे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल SAD, तो ये मेन जो है वो स्टेट पार्टी है। इसका सिंबल क्या है? वेट एंड स्केल, ठीक है। देन आगे देखो दिल्ली, दिल्ली में है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कौन से ईयर में? 2012 में। पंजाब में भी है आम आदमी पार्टी का होल्ड। इसका सिंबल क्या है? ब्रूम, BROOM, ब्रूम, ठीक है। देन हरियाणा, इंडियन नेशनल लोकदल, लोकदल, ठीक है, 1977 लोकदल, 1977 इंडियन नेशनल लोकदल। अब यहाँ पे नेशनल वर्ड लिखा है इंडियन नेशनल लोकदल, लेकिन यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी ये नहीं है, तो जरूरी नहीं है। अगर नेशनल वर्ड है तो ये जस्ट पार्टी का नेम है, जरूरी नहीं है कि वो नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो नेशनल वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी ये लिस्ट है, बाकी जो है दीज आर स्टेट पार्टीज। तो आपको जब अच्छी तरह से आप रीड करोगे देन यू विल बी एबल टू नो कि कौन सी स्टेट है, कौन सी नेशनल है। इसके अलावा अब आप देखिए तमिलनाडु, साउथ की तरफ तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में देखो मेन थ्री पार्टीज, ऑल इंडिया अन्ना DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ठीक है, 1972। देन अकेली DMK भी है, ठीक है, DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, 1949 DMK। दो अलग अलग है, AIADMK अलग है, DMK अलग है। तो इनका बेस जो है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखोगे कि कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिन पार्टीज के बारे में आपने कभी वर्ड सुने नहीं है, है ना, क्योंकि साउथ इंडियन नेम है, तो ये तो चलो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो क्योंकि आपको इनके नेम नहीं पता। आगे देखो आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी। अब कई बार क्या होता है, कई पार्टीज ऐसी हैं जो पार्टीज पर्टिकुलर उन्हीं स्टेट्स में ही है। तेलुगु देशम पार्टी जो है वो मेन यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। आगे देखो यूपी, यूपी में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल। समाजवादी पार्टी का सिंबल क्या है? साइकिल। राष्ट्रीय लोकदल हैंडपंप, ठीक है। देन इसके अलावा देखो बिहार, बिहार में क्या है? राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल RJD। तो इसका देखो सिंबल लैम्प, है ना। तो ये कुछ ऐसी पार्टीज है जिनके कईयों के तो नाम आपने सुने, कईयों के नाम है। महाराष्ट्र में देखो महाराष्ट्र शिवसेना, बोज एंड एरोज, ठीक है, महाराष्ट्र में है शिवसेना। देन इसके अलावा सेवन सिस्टर्स, उनके तो हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग आपको रिकॉग्नाइज हो ही जाएगा। लाइक अगर अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी? पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। देन अगर नागालैंड है तो नागाज पीपल फ्रंट। तो स्टेट के अकॉर्डिंग उसका कई ऐसी पार्टीज हैं जिनका स्टेट के नाम पे नाम है, तो वो इजिली रिकॉग्नाइज हो जाती है। लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका नाम प्रॉपर जो है वो नहीं है, जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो ये भी पार्टी का नाम स्टेट से ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस मैप में जितनी भी अलग अलग स्टेट पार्टीज गिवन हैं, आपने बेटा उन स्टेट पार्टीज को अच्छी तरह से स्टेट वाइज जो है वो हर रोज रीड करो, ताकि आपको एटलीस्ट हर रोज एटलीस्ट दो स्टेट्स की आपको पार्टीज पता होनी चाहिए। उनके सिंबल्स देखो कौन कौन से उनके सिंबल्स हैं, ट्राई टू लर्न हर रोज दो स्टेट्स की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सिंबल्स, ठीक है। तो एनीथिंग कैन बी, उनके साथ में ईयर्स भी मेंशन है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में ये पार्टी बनी, क्लियर। तो दीज पार्टीज, नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज फॉर्म्स पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ आर कंट्री, क्लियर। तो इसके बाद वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज स्टेट द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस आई हैव डिस्कस विद यू कि पॉलिटिकल पार्टीज का मेन काम क्या होता है, कंटेस्ट इलेक्शंस, फॉर्म गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, ऑपोजिशन पार्टी, गैदर पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। ऐसे हेडिंग्स आपने याद करने और उनके बाद आपने इनको प्रॉपर, इनको टू और थ्री लाइन्स में इनको प्रॉपर हेडिंग्स को लिखना, ठीक है। व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी क्वेश्चन फॉर 5 marks, मेक योर हैबिट टू फॉर्म 5 headings and explain these headings in easy 2 or 3 lines. Clear? You can do. Anji Kanishka. Yes. मैम अब जैसे आपने नेशनल पार्टीज की तो हमने पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है, मतलब 5 points का एक एक क्वेश्चन है। अब जैसे हमने जो बाकी स्टेट्स की पार्टीज करनी है उनमें तो नहीं इतनी एक्सप्लेन आएगी, मतलब
whatever in your book, yes, you have to prepare according to your NCERT books. If the parties are in detail, then you have to learn. If state parties are not given details, then you have to learn the names according to map, and then you have to learn the name, symbol, and their state. That matters. Clear? Okay, ma'am. Okay. Any other doubt? Yes, ma'am. Anji. Next hai, what are the various challenges faced by political parties? So these are the problems. Challenges kya hai hamari party ki? Dynastic succession hai hamari country mein. Lack of internal democracy hai. Parties ke andar proper elections nahi hote hain. ठीक है, इम्पॉर्टेंट सीट्स जो हैं वो सिर्फ कुछ ही लीडर्स के हाथ में होती हैं, और पार्टी के अंदर ही डिक्टेटरशिप ज्यादा देखी जा सकती है क्योंकि एक ही लीडर का कंट्रोल होता है. ठीक है, मनी एंड मसल पावर जो है वो ज्यादा यूज होता है. यूज ऑफ रिलीजन, कास्ट, टिकट देने के टाइम पीरियड में वेमेन को इग्नोर कर दिया जाता है. वेमेन पार्टिसिपेशन बहुत लेस होती है पार्टीज के अंदर. ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली स्कैम्स या फिर ब्राइबरी या बहुत से ऐसे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं. डिफेक्शन मानी जाती है कि डिफेक्शन होती है, लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह के बैरियर्स चैलेंजेस जो हैं वो हमने लिखने हैं जो जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं या जो हमारी कंट्री में मेन प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज की. ठीक है, देन सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज, ये भी हमने किया है. ठीक है, रिफॉर्म्स सजेशंस, जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ही हमने सजेशन की फॉर्म में बता दिया है. सजेशंस मीन्स लाइक अगर वहाँ पे डायनेस्टिक सक्सेशन है तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं. रिफॉर्म मतलब ये हम बता सकते हैं कि जितना हो सके जो पॉलिटिकल पार्टीज है इंटरनल डेमोक्रेसी जो है मेंटेन करने के लिए प्रॉपर इलेक्शंस होने चाहिए पार्टी के अंदर, ताकि सीट्स इंपॉर्टेंट सीट्स के ऊपर सिर्फ एक ही फैमिली का सपोर्ट ना हो, एक ही फैमिली का कंट्रोल ना हो, हर तरह के मेम्बर्स को आगे आने का मौका मिले. ठीक है, देन इसके अलावा एंटी डिफेक्शन, गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन पॉलिसी बनाई है ताकि इलेक्शन जीत जाने के बाद कोई पर्सन जो है वो सीट अगर वो जीत गया है, जीत जाने के बाद वो पार्टी चेंज ना करे, अगर उसकी अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी. देन थर्ड, इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या किया है, एफिडेविट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी किया है. देन फिर हमारे रिफॉर्म्स, हमारे सजेशंस हम अपनी तरफ से बता सकते हैं. स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, विमेन को फिक्स कोटा मिलना चाहिए 1/3 सीट्स, ताकि विमेन भी पार्टीज में आगे आए. वोटिंग कंपलसरी होनी चाहिए. इलेक्शंस के टाइम पर में पार्टीज रिलीजियस कॉजेज को आगे ना लेकर आए, रिलीजियस इश्यूज को हाईलाइट ना करें. कास्ट एंड कम्युनिटी जो के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आगे हाईलाइट ना किया जाए. मसल पावर, मनी, जो मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी है उसको रोका जाए. तो ये सारी हैं रिफॉर्म्स. ठीक है, देन व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स फीचर्स, इसमें आपने डेफिनेशन बता देनी है. पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंट्रोल टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. देन फिर आपने बताना है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं. हर पार्टी जो है वो उसकी पॉलिसीज होती हैं, एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है, और वो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, देन हर पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो पार्टी में कॉम्पोनेंट्स, हर पार्टी में एक तीन तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं, ये आप इसमें ऐड कर सकते हो, लीडर्स, मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. ठीक है, हर एक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी उसका एक फिक्स एजेंडा होता है, उनका एक फिक्स बेस होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने जो है वो आइडियोलॉजीज जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करती हैं. करेक्टरिस्टिक्स बताने, फीचर्स, पब्लिक ओपिनियन गैदर करती हैं ये. ठीक है, इशूज़ लेकर आती हैं, हाईलाइट करती हैं इंपॉर्टेंट इशूज़. तो ये करेक्टरिस्टिक्स बताने कि पार्टी के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देन एक काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी. नेक्स्ट, हाँ जी, आप इफ यू हैव बुक देन ट्राई टू मैच ऑल द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू क्वेश्चन. ऑन द वन साइड कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी अलायंस कौन सी अलायंस का पार्ट है, इज इट एनडीए और यूपीए? हरी अप रेज योर हैंड. कांग्रेस पार्टी इज अ पार्ट ऑफ यूपीए और एनडीए, so simple, raise your hands. Congress party is the part of UPA or NDA alliance. Raise your hands, hurry up. Anji, Krishna, Oshin, Karthik, Jaditya, एक जो दिलप्रीत, विनीत, नो रिस्पॉन्स, रेज योर हैंड्स. आशिमा, यस, वेरी गुड.
हाँ जी बेटा, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्ट ऑफ विच अलायंस? कीप ए माइक ऑन आशिमा. हाँ जी अंशिका, बलजिंदर, भूमिका मैम यूपीए. यस वेरी गुड यूपीए. व्हाट अबाउट अदर्स? माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे बच्चे अपना? यस भारतीय जनता पार्टी से पार्ट ऑफ विच अलायंस? कनिष्का रेज योर हैंड्स. हरी अप. कविश मैम एनडीए. एनडीए वेरी गुड. एनडीए ओके. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. ये लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट ये भी अलायंस है बेटा. लेफ्ट फ्रंट वेस्ट बंगाल की अलायंस है ये. अलायंस लेफ्ट फ्रंट जैसे यूपीए है एनडीए है, ऐसे ही लेफ्ट फ्रंट भी अलायंस है. तो सीपीआईएम इज अ पार्ट ऑफ लेफ्ट फ्रंट. तेलुगु देशम पार्टी क्या है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी? तेलुगु देशम पार्टी इज अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी? हाँ जी स्टेट पार्टी. स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी. स्टेट पार्टी. तो अगर जब तक आप सभी पार्टीज के बारे में जो है वो आपकी जो बुक में मैप है उसमें से आप रीड नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कौन सी नेशनल है कौन सी स्टेट. तो इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि कौन सी स्टेट पार्टी है कौन सी नेशनल पार्टी. ओके नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी? इज इट साहू महाराज, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर और कांशीराम? राइट आंसर. हाँ जी रेज योर हैंड्स. हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? अंशिका. हाँ जी मैम कांशीराम. कांशीराम वेरी गुड. नेक्स्ट इज, वॉट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? इज इट बहुजन समाज, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, इंटीग्रेशन ह्यूमैनिज्म और मॉडर्निटी? भूमिका. हाँ जी इट इज मॉडर्निटी. इट इज मॉडर्निटी. ठीक है, इनमें से क्या है? मॉडर्निटी. तो ये है इनकी जस्ट गाइडिंग फिलोसफी. गाइडिंग फिलोसफी का मतलब क्या होता है कि इनके एजेंडा का पार्ट, मैनिफेस्टो का पार्ट है ये. क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट योर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. सो यू हैव टू लर्न ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, देयर नेम्स, फुल फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू मैप. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये जो चैप्टर है आज मैं इसकी अभी आउटलाइन डिस्कस कर रही हूँ बेटा. आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ये लास्ट चैप्टर है बेटा आपका. ठीक है, चैप्टर में हमने मेन क्या करना है? डेमोक्रेसी. इवन हमने नाइन्थ में बच्चे ये चैप्टर किया था ना जब, तो हमने उसमें किए थे मैरिट्स एंड डीमेरिट्स. ठीक है, तो उसमें तो जस्ट हमने सिंपल मैरिट्स एंड डीमेरिट्स किए, लेकिन इसमें क्या है आपकी बुक में कुछ स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब ये जो चैप्टर है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड. वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ सोशल अकोमोडेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मींस पूरा जो चैप्टर है ना वो डेमोक्रेसी के बारे में है और डेमोक्रेसी की स्टेटमेंट्स के बारे में. मींस वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन एंड क्वेश्चन कैन कम ऑन द बेस ऑफ स्टेटमेंट. सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आ सकता कि मैरिट एंड डीमेरिट. तो कोई भी क्वेश्चन है चाहे डेमोक्रेसी का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है, तो उसमें आपने डेमोक्रेसी के बेस्ट आइडियाज या फीचर्स आपने उसमें बताने. लिटिल बिट थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं तो इन टेक्निकल टर्म्स के आपको मीनिंग क्लियर होने चाहिए. तो बेसिकली जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी का, आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है. डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी, क्रेसी वर्ड जो है उसका मतलब है क्रेशिया. क्रेशिया ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रूल. तो सिंपल डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? रूल ऑफ पीपल. जैसे आप अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. अब्राहम लिंकन, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. सो रूल ऑफ पीपल जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, बेसिकली जो डेमोक्रेसी है वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे पॉसिबल होता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जहाँ पे लोग खुद मिलकर आपस में मिलकर अपने लिए लॉज बनाते हैं.
जैसे 500 पीपल है, 1000 पीपल होते थे स्विट्जरलैंड में जैसे होता था, तो लोग खुद मिलकर अपने लिए लॉ बनाते थे, वो होती थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पर आज के टाइम में जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो लोग क्या करते हैं, वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव सपोज एमपीज एंड एमएलएज हैं, जैसे हमने अब पंजाब में इलेक्शंस होने हैं, पहले 14 डेट थी, अब 20th हो गई है, तो हमने अब वोटिंग करेंगे, हम 20th को वोटिंग करेंगे और उसके बाद हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले 5 साल के लिए हमारे लिए लॉज बनाते हैं। तो इट मीन्स ये क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, देन फिर क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज बेटर देन एनी अदर अल्टरनेट। डेमोक्रेसी अपने अल्टरनेट से बेटर क्यों है? तो डेमोक्रेसी अपने अल्टरनेट से बेटर क्यों है, अल्टरनेट कौन से हो गए? अगर कहाँ पे अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, या वहाँ पे डिक्टेटरशिप हो सकती है, या वहाँ पे मोनार्की हो सकती है, या वहाँ पे ऑटोक्रेसी सिस्टम हो सकता है। तो डेमोक्रेसी इन तीनों से बेस्ट कैसे है, हाउ इट इज बेटर देन दीज? तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ वन और सम ऑफ द ग्रुप, ऑल द पावर्स आर इन सिंगल हैंड्स। जैसे ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का भी मतलब क्या होता है, सारी पावर्स जो है वो एक ही हाथ में होती, पार्लियामेंट नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अगर होता भी है तो इसका रोल जो है वो नन के बराबर होता है। देन मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, हेरिडिटरी रूल होता है, फादर उसके बाद सन, क्वीन, रूल ऑफ किंग और क्वीन एग्जिस्ट। ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है या मोनार्की सिस्टम होता है, वहां पर लोगों को फ्रीडम्स नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं इनके डीमेरिट्स होते हैं, मेरिट्स होते हैं। तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म, डेमोक्रेसी इन सबसे बेटर है। तो उसके लिए ये पूरा क्वेश्चन जैसे हमने 9th में किया था, ठीक है, आपको याद होगा, सेम हम करेंगे कि क्यों डेमोक्रेसी बेटर। ठीक है, उसके बाद फिर हम डेमोक्रेसी के अलग अलग फीचर्स के बेसिस के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन, जैसे हर फीचर से एक क्वेश्चन, जितने हम फीचर्स करते हैं उन्हीं फीचर से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपका आगे बनता है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। इट इज अकाउंटेबल, आंसरेबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल। ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उनकी रिस्पॉन्स जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है गवर्नमेंट, उनकी नीड्स को पूरा करती है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है, वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया उसका, इसके 3 words, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, इनका अच्छी तरह से मीनिंग जो है वो पढ़ेंगे। फिर डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो सोशल इनइक्वालिटीज को कैसे रिमूव करती है। ठीक है, तो वो कुछ पॉइंट्स हम इसमें देंगे जिसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे। तो ये चैप्टर है डेमोक्रेसी के बारे में। नाउ टाइम इज ओवर, आई विल डिस्कस टुमारो, क्लियर।